आप देखो जैसे संत हुए, महात्मा हुए, गोस्वामी महाराज हुए, उनके ये भक्त हुए, कबीर साहब हुए, उनके भक्त हुए, जिस तरह से अवतारिक शक्तियाँ रामकृष्ण हुए, उनके भक्त हुए, ऐसे ही मुसलमानों में भी तमाम ऐसे हुए हैं फकीर, जिनको कहा गया कि जो अनुसमय लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं और उनको इन चीज़ों की जानकारी रही है, इनकी जानकारी रही है, जो पूरे फकीर हुए हैं उनको सब जानकारी रही है। आप समझो कि यूसुफ नाम के फकीर हुए हैं, बाइबल में जिनकी चर्चा जोसेफ के नाम से हुई है, तो वो जब छोटे थे तो बड़े बुद्धिमान थे, बुद्धि का विकास उनका काफी कुछ बचपने में ही हो गया था और सुंदर बहुत थे, संतुष्ट भी थे, तो अकल घर में उनकी सबसे तेज थी और सब जगह वो कामयाब हो जाते थे अपनी अकल बुद्धि के द्वारा। तो उनके भाई को उनसे हो गई जलन, उन्होंने सोचा कि इसी का नाम हो जाएगा, इसी को लोग जान जाएंगे और इसी का सब कुछ हो जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे, इसलिए इसको घर से निकाल ही दिया जाए। तो उस समय पर यानी गुलाम प्रथा थी, गुलाम किसको कहते हैं, नौकर, नौकर को गुलाम कहते हैं, समझो कि खाना कपड़ा पर रहते हैं, खर्चा जो बड़े उस पर रहते हैं, एक बार खरीद लेते हैं फिर उनको कोई तनख्वाह देनी नहीं रहती है, क्या करते थे लोग, बेच देते थे। गुलाम खरीदने के व्यापारी भी होते थे, उनको खरीद लेते थे, अब जिसको जरूरत होती थी उसको वो बेच देते थे, जिसको जैसी जरूरत होती थी वहाँ उसके पास को भेज देते थे। तो ये होनहार बहुत थे, देखा भाई प्रखर बुद्धि है और सेवा भाव है, तो इनको बेचा उसने, किसको बेचा, मिस्र के बादशाह यूसुफ को बेचा, मिस्र के बादशाह। तो अबे वहाँ जब पहुँचे तो बादशाह ने अपने महल में रख लिया, उनकी सेवा भाव बहुत था और मेहनत से सेवा करते थे, ईमानदारी थी, थोड़ा भी वो बताते थे, ज़्यादा समझ जाते थे, तो ये बहुत ही उनके प्रिय भी हो गए, प्यारे हो गए। जैसे कोई बहुत सेवा करता है तो बहुत खुश रहते हैं उससे, कौन खुश रहता है, चाहे वो मालिक हो जो सेवा करावे और चाहे जो भी सेवा करावे वो खुश रहता है, बादशाह बहुत खुश रहने लगा, खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं, और उनकी बॉडी और बढ़िया बन गई, तंदुरुस्त हो गए और जवानी आ गई। तो एक दिन अनुसंधु की जो बेगम थी बादशाह की, उसकी नीयत को सिंपल हो गई खराब, उसको पकड़ करके ले गई अपने महल में, वो अंदर से दरवाजे बंद कर दिए, गलत इच्छा जाहिर किया, सब गलत इच्छा जाहिर किया, तो आगे सोचने लगे कि भाई अगर हम इसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं तो हमारा ईमान डग जाएगा, हमको दोजख जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, और अगर हम मना करते हैं तो राजा रानी का मामला है, बादशाह बेगम का मामला है। तो ये बेगम सुलेखा उसका नाम था, पहले सुलेखा तो हमको फांसी पर चढ़ावा देगी, सवेरा देख पाऊँ न देख पाऊँ,
दिन देख पाऊँ न देख पाऊँ, सुबह ही ऑर्डर करवा दे राजा से और हमको फांसी पर चढ़ जाना पड़े। तो सोचे ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे, मालिक को याद किया तो कहते हैं जो मालिक को बराबर याद करते रहते हैं उनके बचत का तरीका कोई न कोई निकल ही आता है। कोई समस्या हो, परेशानी हो, अगर मालिक को याद, मालिक को याद करने की आदत बनी हुई है तो मालिक ही याद आएंगे। मालिक का जो नाम होता है उस समय का अंजीता जगता नाम, जगाया हुआ नाम, तो वो नाम मुझसे मुख पर आ जाए तो तुरंत आवाज वहाँ पहुँच जाती है। जैसे इस समय पर ये जय गुरुदेव नाम है, जय गुरुदेव नाम जिसको रट जाता है, मुसीबत में भी जय गुरुदेव नाम मुझसे निकलता है तो रक्षा हो जाती है, मदद हो जाती है। कितने लोगों ने आप समझो आज मैश करके देखा, लेकिन विश्वास की बात है और सुनने समझने की बात है, नहीं तो सुन तो लेते हैं लोग लेकिन धुन नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते हैं। बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि नाम ध्वनि करो, नाम ध्वनि करो, रटो रटाओ, तो सुन तो लेते हैं कि जैसे सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं, गीता का पाठ सुन लेते हैं, हनुमान चालीसा सुन लेते हैं बैठ करके, ऐसे सुन तो लेते हैं लेकिन करते नहीं। तो नहीं करोगे, दवा खाओगे नहीं तो मर्ज कैसे जाएगा, बचत का उपाय नहीं करोगे तो कुदरत तो हमला जब करेगी, कर्म की सजा देगी, तो चिल्लाओगे रोओगे। उस समय पर तो कहने के हकदार भी नहीं रहोगे कि बाबा जी ने हमको बचाया नहीं, गुरु ने हमको बचाया नहीं, हमारे ऊपर दया नहीं किया, तो याद किया यूसुफ ने, याद किया किसको, मलिक को। तो वो क्या करती थी, जो बेगम थी मूर्ति की पूजा करती थी, उसको उस पर विश्वास था मूर्ति पूजा पर। तो देवता की एक मूर्ति वहीं पड़ी हुई थी, पत्थर की रखी हुई थी ऐसे, तो उसने क्या किया, उस पर डाल दिया पर्दा। तो उन्होंने पूछा कि बेगम आपने पर्दा क्यों डाला इस पर, तो कहा कि ये हमारे देवता हैं, इनके सामने कोई गलत काम हम नहीं कर सकते, तो हमने इनके ऊपर पर्दा डाल दिया। कहा उन्होंने कहा कि आपने अपने देवता पर पर्दा डाल दिया, आपके देवता सामने, और मेरा खुदा तो हर जगह मौजूद है, तो उसके सामने मैं कैसे पर्दा डाल पाऊंगा। वे भागे, जब भागे तो उसने इसे पीछे से पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ तो नहीं पाई, हाथ पैर तो सिर बदन का कोई अंग पकड़ नहीं पाई। हवा से जब कुर्ता उड़ा तो कुर्ता उसके हाथ में आ गया, अब उसने खींचा तो कुर्ता फट गया पीछे से, और भग करके निकले गए। सुबह रानी ने कहा, बादशाह से बेगम ने उनके कहा, कहा देखो इसने हरकत किया, इसने मुझको छुआ रात को, वारदात करने की इसकी इच्छा रही मेरे साथ। बादशाह भी क्रोध में तो आया, लेकिन बादशाह ऐसे नहीं हुआ करते थे कि तुरंत कोई निर्णय लेने बगैर दरियाफ्त किए हुए, मगर जानकारी किए हुए। जैसे इस समय पर ये जो न्यायमूर्ति हैं, आई समझो आपके जज जिनको कहते हो, ये लोग इसीलिए दोनों पक्ष की बात सुनते हैं और उसके बाद तो निर्णय लेते हैं। अचानक एक पक्ष की बात सुन करके जो निर्णय ले लेता है वो फेल हो जाता है। सुनना तो चाहिए दोनों पक्ष की बात, कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई विवाद हो दोनों पक्ष की बात जानना चाहिए। तो लड़के को बुलाया और पूछा कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि उसके पास यह रहा काफी दिनों से,
तो एक दूसरे के स्वभाव के बारे में, आचरण के बारे में, खान पान के बारे में जानकारी हो गई थी। तो बादशाह के टेस्ट में तो समझो ये एक नंबर था, अव्वल नंबर में था। सोचा इससे गलती हुई कैसे, फिर सोचा उसने जवानी थी, जवानी में मन मचल जाता है, गलती कर बैठा होगा। अब अगर गलती किया, रानी की बात नहीं मानेंगे तो रानी नाराज होगी, और बात अगर फैल गई तो प्रजा नाराज होगी कि न्याय नहीं किया। सोचने लगा करें तो क्या करें। तो बादशाह लोग मंत्रियों को, विद्वानों को इसीलिए रखते थे, कोई जब बात हो सलाह लिया जाए उनसे, तो उनसे जब सलाह लिया क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, तब विद्वानों ने विचार करके बताया, कहा अगर कुर्ता आगे की तरफ से फटा है तो गलती लड़के की है, नौजवान की है। और कुर्ता अगर पीछे से फटा है तो समझो गलती बेगम की है। पता लगाया तो कुर्ता पीछे से फटा था, बेगम को बताया, कहा कुर्ता पीछे से फटा है कैसे माना जाए। जब टाइट किया तो बेगम खुद सरेंडर हो गई। तो बचाया, बचाया किसने उसको, फांसी से किसने बचाया, उस खुदा ने बचाया, मालिक ने बचाया। मालिक तो हमेशा मददगार है, लेकिन हृदय में जब बसाया जाए, याद किया जाए, और हमेशा जब याद रखेंगे उसको, तब मुसीबत में भी मददगार हो जाएगा। और याद रखेंगे किसको, माँ को, बाप को, भाई को, दोस्त को, तो मुसीबत में वही याद आएगा। बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते ना, कोई तकलीफ होती, कोई मारपीट करते, अरे मम्मी, अरे पापा, अरे भैया, ऐसे जिसको बुलाओ दो वही तो आए। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी आदमी को नहीं बचा सकता है, लेकिन मालिक सबको बचाता है, मालिक सबको रक्षा कर, सबकी रक्षा करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा हृदयंगम करके रखो, मालिक को हमेशा हाजिर नाजिर समझो, और हृदय में उनको बसाए रहो, और ये हमेशा प्रेम में याद रखो। तो जो मैं कह रहा हूँ वो सुन रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हैं। तो जो कर रहा हूँ देख रहे हैं, जो बोल रहा हूँ सुन रहे हैं, जो कर रहा हूँ सब आप उनकी, उनको हाजिर नाजिर समझो। हाजिर नाजिर समझोगे तो बचाएंगे आपको हर जगह, उनको भूल जाओगे, पर्दा डाल दोगे तो पर्दा बराबर आंखों के सामने रहेगा, और भ्रम और भूल के इस दुनिया में, इस माया काल के देश में आप फंस जाओगे। नामदान लेकर के भी आप फंस जाओगे। इसलिए गुरु को याद रखो, मालिक को याद रखो, बचाने वाले को हमेशा याद रखो, जो आपको हर तरह से बचाने के लिए तैयार हैं। आप को बचने की जरूरत है, इच्छा प्रकट हो आपके अंदर, आप संकल्प बनाओ इस बात का कि हम बुराई से बचे रहें, इनसे, इन चीज़ों से बचे रहें, और हम अपने लक्ष्य पर आ जाएं, अपने घर पहुंच जाएं, मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाए।